नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिका आने वालों की बड़ी मुश्किलें, सीनेट में ग्रीन कार्ड के नियमों में बदलाव से जुड़ा विधेयक किया गया पेश। हर साल जारी होने वाले 10 लाख ग्रीन कार्ड को घटाकर 5 लाख करने का रखा प्रस्ताव। भारत अमेरिका के रिश्तों पर बोले अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस, रक्षा क्षेत्र में सहयोग के जरिए भारत अमेरिका एक दूसरे के आ सकते हैं करीब। रक्षा क्षेत्र से जुड़े पूर्व सौदों को तेजी से आगे बढ़ाने की दोनों देशों की है जिम्मेदारी। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के खिलाफ एक साथ आए अमेरिका और तुर्की, दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाने पर जताई सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने द्विपक्षीय संबंध को और बेहतर बनाने पर दिया जोर। जेफ सेशंस होंगे अमेरिका के अगले अटॉर्नी जनरल। सीनेट के मतदान में सेशंस को मिले 52 वोट, अब प्रवासन पर अपने सख्त रुख के लिए जाने जाते हैं सेशंस। चीन के युन्नान में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 4.9 तीव्रता का आया भूकंप, 5 लोग घायल जबकि कई घर हुए क्षतिग्रस्त। और मनीला के परोला शहर की बस्तियों में लगी भीषण आग, 6 घंटे में सभी घर जलकर हुए खाक, 15,000 से भी ज्यादा लोग हुए बेघर। ये तो वही अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां खबरें लगातार।